हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये होती हैं मोरिंगा लीव्स, आप देख रहे हैं। इनको हमने अच्छे से धो के ऐसे सुखा लिया है और अब हम इसकी ना पत्तियाँ अलग कर लेंगे और ये जो मोटी वाली स्टेम्स हैं ना, ये सब अलग कर देंगे। यानी हमें केवल पत्तियों का यूज़ करना है। तो जो मोदी जी के द्वारा बताया गया पराठा है ना, कि मोरिंगा की लीव्स का पराठा कैसे खाएं और कितना ये उपयोगी है खाने के लिए, बहुत अच्छा है। मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक्स जो आती हैं ना, उसके जिस पेड़ पर ड्रम स्टिक्स लगती हैं उसकी ये पत्तियां हैं। तो इनको साफ़ करके अलग कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मोरिंगा लीव्स की चटनी, जो सुपर फूड में काउंट होती है। और इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। पैन गर्म होना रख दिया है। ये एक सूखी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, एक चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच चना दाल हम इसके अंदर डालेंगे, और आधा से पौना चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बना रही हूँ, एक हैंडफुल मैंने मोरिंगा लीव्स ली हैं, मैंने आपको दिखाया है, उनको धोकर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी देखिए ड्राई रोस्ट हो गया है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हमने इसको डायरेक्ट, मैं तो इसमें डाल रही हूँ, ठंडा हो जाएगा तब तक मैं ये अपना जो लीव्स है ना मोरिंगा की, उनको ड्राई रोस्ट करूंगी। तब तक मैं इसमें ये डालने के लिए, पर ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच जैसे ही ऑयल डालेंगे, बस आधा चम्मच। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई, ये भी आधा चम्मच, और जैसे ही तिड़क जाएगा ना, हम इसमें डाल देंगे मोरिंगा लीव जो हमने धो के रखी हुई हैं। और इनको ना हम कच्चापन ही बस इनका दूर करेंगे, थोड़ा सा कच्चापन, पकाना नहीं है ताकि कलर खराब हो इसका, ऐसे नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन हम इसका दूर करेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, मोरिंगा लीव्स भी ठंडी हो गई हैं, क्योंकि गरम नहीं आपको डालना, बस इतना ध्यान रखना है ना। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक, और ये डालेंगे हम कोकोनट। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, आप पीसेस में भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 कप मोरिंगा लीव्स लिए हैं, तो मैंने इसमें 1/4 कप ये कोकोनट डाला है। अब है ये इमली का पानी, जितना खट्टा आपको चाहिए। अगर पल्प जो आपका थिक है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप डालें। मैंने इसका पानी लिया है, इसको आप ग्राइंड करेंगे और जितना पानी हमें डालने की ज़रूरत होगी सादा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो जो पत्ती है ना वो आप ज़्यादा डाल दो, नारियल थोड़ा कम कर दो, बट ये परफेक्ट है। और मैंने नमक वगैरह टेस्ट कर रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। इमली का पल्प भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। आपको कितनी पतली चाहिए उतनी आप कर सकते हैं। तो करते हैं इस यमी सी चटनी की प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी ये यमी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और न्यूट्रिटिव है, और सतगुरु जी की भी रेसिपी यही है चटनी बनाने की, तो उसको मैंने फॉलो करके ये बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।